दुनिया वाले अपनी खुशियों में ये इंतजाम करती है, अहले इस्तेमाल और सहम के इस्तेमाल के लिए तैयारी करते हैं। ये घर को आजाइश और घर को सजाया गया, इसलिए सजाया गया कि करबला का काफिला आ रहा है, सजाया गया कि आजादार आ रहे हैं। सारी तैयारियां इसलिए की गई है कि हुसैन आने वाले हैं। आज ये आखिरी यहाँ पर आते हैं तब ये है कि अब सब हुसैन को रुख्सत कर रहे हैं कि मौला खुदा हाफिज़ किस पर रुख्सत कर रहे हैं, ज़ैनब के लाल खान मोहम्मद पर रुख्सत कर रहे हैं, अली अकबर को रुख्सत कर रहे हैं, अली अजहर को रुख्सत कर रहे हैं, नौशाद को रुख्सत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अब्बास को रुख्सत कर रहे हैं, और सबसे आखिर में हुसैन की खिदमत में ये सलाम है कि मौला आपने वक्त पे आके हमें रिहा किया, अब गुलामों का सलाम कबूल हो, गुलामों का सलाम कबूल हो। हर जगह से यही आवाज आ रही है कि मौला सलाम कबूल है, आजादार आप अंदाजा कीजिएगा दो मजलिस तमाम हुई लेकिन आखिर को पहुंचा तो आखिर है। आप अंदाजा करिए इस बात से कि जहां कितना इत्तेमाल किया जाता था और जब विदाई की बात आती है तो दो बीवियां बड़े हर बीवी का यही हर बीवी का यही आपका जैनब ने कैसे रुख्सत किया ये जैनब जानती है, जब आपने कैसे रुख्सत किया ये आप जानती है, उम्मे कुलसूम ने कैसे रुख्सत किया ये बीवी उम्मे कुलसूम जानती है। एक एक बीवी का आलम ये था कि वो सैन का तवाफ कर रही है और फातिमा के लाल को खुदा हाफिजी गैरव कर रही है, लेकिन एक बीवी ऐसी थी जिसने मदीने से रुख्सत करते वक्त इतनी हसरत से ये कहा था कि बाबा सुमरा घर में कैसे रहेगी, और एक बीवी कर्बला में है जो दरे खैबा पे खड़ी है और दामन को पकड़ के कह रही है बाबा सकीना किस किसी ने मत सुने, बच्चियों का ख्याल करे, उस सीने में सोने वाले सकीना का ख्याल करे, जो ये कह रही है कि बाबा आप मैदान को जा रहे हैं तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी। पूछा कहा बीवी मत रो, कहा बाबा कैसे गिरिया न करो, कहा बीवी अभी बहुत रोना बाकी है, इशारा कर रहे थे कि अभी शिव तमाचे लगाएगा, बाजारों दरबारों में जाना है और फिर شرف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیم فرما